नमस्ते सत श्री अकाल, आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमें यकीन है कि आप हमारे वीडियोस भी देख रहे होंगे और हमें दुआ में भी याद रख रहे होंगे। आज हम लोग, वैसे तो आप लोगों को पता ही है अभी हमारी दिल्ली की सीरीज चल रही है, लेकिन हमने कहा चलो जोधपुर के भी दो तीन जो क्लाउड किचन है उसका बनाएंगे, तो उसी सिलसिले में हम लोग पहला जो वीडियो बनाएंगे आज, हम लोग बेक विद लव लव के नाम से एक क्लाउड किचन है जो कि केक्स बनाते हैं, सैंडविचेस बनाते हैं, शेक्स बनाते हैं। ये जोमेटो पे भी है, स्विगी पे भी है और इंस्टाग्राम पे भी आप इनका पेज फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का जो इनका पेज है उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन डाल देंगे ताकि आप देख भी सके, या फिर आप जोमेटो स्विगी पे जाके बेक विद लव के नाम से इनका क्लाउड किचन है। चलिए पूरा मेन्यू आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया है, हम लोगों ने काफी सारी चीज ऑर्डर की है और वो भी आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या ऑर्डर किया। पूरा मेन्यू आपको दिखाते हैं उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इनके पास काफी सारी वैरायटीज है केक की। केक में हम लोगों ने ऑर्डर किया, हम लोगों ने फ्रूट एंड नट केक्स ऑर्डर किया, हम लोगों ने जार केक में एक हमने रेड वेलवेट ऑर्डर किया है, साथ ही साथ कप केक में हमने चॉकलेट चोको ट्रैफल हमने ऑर्डर किया है, उसके बाद हमने शेक ऑर्डर किया है किटकैट शेक, वो भी हम लोग ट्राई करेंगे। सैंडविच भी हमने यहाँ से ऑर्डर किया है, तो ये सैंडविच हमने ऑर्डर किया है ट्विस्टर सैंडविच, वो भी हम लोग ऑर्डर करेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने टी टाइम पे इनका एक चोको चिप्स के नाम से है वो भी हम लोगों ने ऑर्डर किया है, तो 1 2 3 4 5 6 आइटम हम लोगों का पूरा ट्राई करेंगे। पूरा मेन्यू आप लोग देख चुके हैं, चलिए वेट करते हैं, बस हमारा ऑर्डर आने वाला है, उसके बाद ये 6 चीजें हम लोग ट्राई करेंगे और आपको बताएंगे कि हमको इनका जो केक्स है और बेक विद लव के यहाँ से हमारा जो ऑर्डर है वो आ चुके हैं। देखिए सबसे पहले चलो हम लोग देखते हैं, देखिए क्या बात है, परफेक्ट इनके तो ये हमने पहले से खोल के रखा है। ये देखिए इनका सैंडविच है, देखिए क्या बात है सैंडविच, ये जो इनका जो ट्विस्टर सैंडविच है वो है, काफी जबरदस्त लग रहा है यार माशाल्लाह। तो फिर हम लोग लेंगे ये इनके केक्स हैं, इसकी अनबॉक्स करते हैं। ये इनका सैंडविच है, ये इनके जो मिनी केक्स है जो कप केक्स है वो है, काफी जबरदस्त इन्होंने बनाए हुए, और ये जो इनके जो टी टाइम वाले जो केक्स है वो है, एक तो चोको चिप्स है और एक फ्रूट वाले फ्रूट एंड नट वाला केक है ये है। उसके अलावा फिर उन्होंने हम उनको एक ये केक और भेजा है, देखिए आप ये जो फ्रूट एंड नट केक है वो ही है, देखिए काफ़ी ज़बरदस्त इन्होंने जो बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये भी यहाँ रख लेते हैं, उसके बाद इनका जो जार केक है वो ट्राई करेंगे। ये इनका क्या बात है यार, देखिए आप काफ़ी मतलब दिखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कैसा होगा यार, और ये सब चीज़ें अगर हम लोग खाएंगे तो डाइटिंग का क्या होगा। ये इनका जार केक हो गया, ये इनका शेक है जो किटकैट शेक है वो देखिए क्या बात है। ये चीज़ें आपको अगर सब चीज़ें ट्राई करनी है तो आपको ये ऑर्डर करना पड़ेगा बेक विद लव के नाम से, जो कि इनका क्लाउड किचन है, जोमेटो और स्विगी दोनों में अवेलेबल है। सारी चीज़ें हमने आपको अनबॉक्स करके दिखा दी है, चलिए सब साइड में रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग एक ही चीज़ ट्राई करेंगे वो ट्राई करेंगे, बिकॉज सैंडविच मैंने कहा सबसे पहले नमकीन ट्राई करेंगे उसके बाद मीठा खाएंगे, बिकॉज मीठा काफ़ी सारा है। ये देखिए प्रॉपरली इन्होंने एकदम इसको ग्रिल किया हुआ है, चलिए स्टार्ट करते हैं। माशाल्लाह
इसके अंदर की जो स्टफिंग है उसमें इन्होंने एकदम परफेक्ट इन्होंने स्टफिंग की, उसके साथ साथ में इन्होंने काफ़ी सारी इसमें वेजिटेबल यूज़ किए, साथ साथ में थोड़ा बहुत उसमें चीज़ भी है, और एकदम परफेक्ट इन्होंने स्टफिंग का जो कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है। चलिए पूरी एक स्लाइस खत्म करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग केक ट्राई करेंगे। फ्रूट एंड नट केक जो इन्होंने हमको भेजा है उसका ट्राई करेंगे। देखिए काफ़ी सॉफ्ट है यार, क्रीमी यार। चलो उसको निकालते हैं, इसको ट्राई करते हैं। मज़ा आ गया माशाल्लाह, काफ़ी क्रीमी है और अंदर का जो केक है वो काफ़ी स्पॉन्जी है माशाल्लाह। मतलब बहुत से केक होते हैं वो रफ होते हैं, इससे टूट जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एकदम स्पॉन्जी केक इन्होंने बनाया और काफ़ी ज़बरदस्त है। केक हो गया, अब हम लोग इनका ट्राई करेंगे, इनका जो मिनी केक्स है कप केक्स वो ट्राई करेंगे। चलिए ये दोनों इनके जो केक्स हैं, जो मिनी केक्स या उसको आप कप केक भी कह सकते हैं, एक तो इसमें चॉको ट्राइफल है और एक और इन्होंने अपने हिसाब से इन्होंने भेजा है एक और, तो दोनों हम लोग ट्राई करते हैं। चलिए ट्राई करते हैं, क्या बात है यार, चॉकलेट के हम लोग दीवाने हैं। फिल्ड विद चॉकलेट और माशाल्लाह इसमें भी अगर इनकी जो जो केक जो अंदर का जो केक है वो काफी स्पॉन्जी है, काफी जबरदस्त लग रहा है। ये हो गया, अब इसको इसको ट्राई करेंगे। चलिए इनका जो काफी इन्होंने अच्छा बनाया हुआ है और साथ साथ में इनका जो डेकोरेशन वो भी काफी जबरदस्त है। चलिए इसको ट्राई करते हैं, देखिए कप केक से वो भी काफी जबरदस्त है। सबसे पहले हम लोगों ने सैंडविच ट्राई किया, उसके बाद में हमने हमारे जो केक ऑर्डर किया था वो ऑर्डर किया वो खाया, उसके बाद हमने जो हमारे जो कप केक्स है वो भी हमने ट्राई किए, अब हम लोग ट्राई करेंगे इनका जो जार जार केक है वो ट्राई करेंगे। चलिए पैकेजिंग एकदम परफेक्ट है, सारी चीज़ें परफेक्ट है, आपको ये सब चीज़ें ट्राई करनी है तो आपको बेक विद लव के नाम से इनका क्लाउड किचन है जो कि जोमेटो पे भी है, स्विगी पे भी है, और साथ साथ में इनका इंस्टाग्राम पे आप वहाँ पे भी जाके इनको आप ऑर्डर कर सकते हैं। देखिए क्या बात है, सर ये जो है ये इनका रेड वेलवेट, ये इनका जार केक है, मज़ा आ गया माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त। केक्स की बात आती है तो अंदर का जो स्पॉन्जीनेस होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, और इस सारी चीज़ें मैंने ट्राई की सारी एक नंबर है, कुछ भी चीज़ ड्राई नहीं। अंदर से बहुत से केक्स होते हैं जो अंदर से ड्राई हो जाते हैं, लेकिन अगर आप बेक विद लव से आप ऑर्डर करेंगे तो आपको ये जो केक में जो स्पॉन्जीनेस है वो ज़रूर मिलेगी, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीज़ें ट्राई की, ऐसा नहीं सब में एकदम स्पॉन्जीनेस है और ड्राइनेस बिल्कुल नहीं है। केक्स हो गए, मिनी केक्स हो गए, जार केक्स हो गए, अब किट का शेक की बारी है। जोरदार है माशाल्लाह शेक, किट कैट का शेक काफी जबरदस्त है और एकदम स्मूथ शेक बना, मतलब बस गले से नीचे उतर जाता है, वाकई में बहुत जबरदस्त सारी चीजें हो गई। यार डाइटिंग कैसे करेंगे, नहीं अब बारी है इनके जो टी टाइम के जो केक्स है वो, ये चॉको चिप है और ये इनका फ्रूट केक है। चलिए इसको ट्राई करते हैं, ये इनका चॉको चिप्स जो कि टी टाइम वाला जो केक है वो देखिए, मजा आ गया,
केक ये भी ट्राई करते हैं। सारे जो भी इनके प्रोडक्ट्स हमको मिले हैं वो वाकई में काफ़ी ज़बरदस्त है कि अंदर भी इनकी इसमें स्टफिंग की हुई है। जो टी टाइम के जो फर्स्ट केक लिया था वो काफ़ी ज़बरदस्त था इसमें चॉकलेट में, और सबसे बड़ी बात काफ़ी सारे ये सारे स्वीट काफ़ी थे लेकिन ये थोड़ा कम स्वीट था। टी टाइम वाले कम स्वीट है क्योंकि जब टी टाइम के साथ अपन जब केक खाते हैं तो स्वीटनेस थोड़ी कम चाहिए बिकॉज चाय में शक्कर भी होती नहीं होती है, लेकिन ये जो ये सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त है, केक भी काफ़ी ज़बरदस्त है। पूरा ख़त्म करते हैं उसके बाद आप काफ़ी ज़बरदस्त हमारा जो एक्सपीरियंस रहा बेक विद लव्स के नाम से, वाकई में इन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त हमें प्रोडक्ट भेजे। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने इनका केक ट्राई किया, इनके मिनी केक्स थे, जार केक था, शेक थे, सैंडविचेस थे, ऑल टुगेदर हमारा जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा। सबसे बड़ी बात केक की जब बात आती है तो अंदर का जो केक होता है वो काफ़ी स्पॉन्जी होना चाहिए और ये सारी चीज़ों में वो चीज़ थी, ड्राइनेस बिल्कुल नहीं थी। ये चीज़ आप सारी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं बेक विद लव के नाम से, जो कि आप इनको स्विगी पे भी है, जोमेटो पे भी और इंस्टाग्राम पे भी आप इनको सर्च करते हैं, नंबर भी हम लोग डाल देंगे ताकि आप इनसे बात भी कर सकें। चलिए यहाँ पे हम लोग हमारा वीडियो ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह जिंदगी में तो फिर मुलाकात होगी, शादाब टॉक्स को देखते रहें और हाँ अपनी सेहत का ध्यान रखें बिकॉज लाइफ इज़ अ गिफ्ट। अल्लाह हाफिज़।